देखिए आप देख पा रहे हैं सामने ये है लजीज होटल। तो यहाँ पे जो है नहारी फेमस है, मतलब इस चौक पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप सामने देख रहे हैं। गाइस देखिए सामने आप देख पा रहे हैं ये है हाजी मकबूल की तहारी रेस्टोरेंट। तो अभी देखिए इसके अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की तहारी कैसी लगती है। जिया भाई कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इस सफर के बारे में? भैया हमने सबसे ज्यादा गाड़ी चलाई है, हम ही सबसे ज्यादा तो हमारा तो कहने का कुछ मूड है नहीं। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेजेड व्लॉग्स। हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरकेजेड व्लॉग्स पर। तो देखिए आज आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं नवाज शरीफ भाई, इधर शहजान भाई, कासिम भाई और राकिब भाई। देखिए हम अपने शहर ठाकुर द्वारा से सफर करके लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम मुजफ्फरनगर आए थे, क्योंकि राकिब भाई ने हमें बताया था वहाँ पे नुमाइश लगी हुई है और यहाँ की नुमाइश काफी फेमस रहती है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे झूले यहाँ पर और काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम यहाँ पर आए 200 किलोमीटर आए हम, लेकिन नुमाइश बंद हो गई, कुछ भी हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। देखिए अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ पर मुजफ्फरनगर चौराहे पर हैं, ये चौक है शायद मीनाक्षी चौक जिसे कहते हैं। यहाँ पर काफी फेमस रेस्टोरेंट है। तो हमने लगभग 4 घंटे तक सफर किया है, कासिम भाई ने, राकिब भाई ने गाड़ी चलाई है, तो अभी बिल्कुल मतलब थक चुके हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। 200 किलोमीटर जब चलने के बाद आपके साथ ऐसा हादसा होता है, मतलब जिस चीज के लिए हम आए थे वो हमें नहीं मिली, तो मतलब बहुत अफसोस भी हुआ। इतना पेट्रोल खराब किया, इतना वक्त खराब किया, रात खराब की, लेकिन उसका कोई भी हमें फायदा यहाँ पर नहीं मिला। तो अभी देखिए हम यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट तलाश करेंगे और वहाँ पे खाना खाएंगे, वो वापस घर चले जाएंगे। और हमारे राकिब भाई के तो सर में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि चलते चलते काफी समय हो गया हमें, और आप देख सकते हैं इन्होंने जो है सर पर मफलर भी बांध रखा है। ये देखिए बेचारों की हालत बहुत गंभीर है इस समय। वैसे ये चौक जो हमें लग रहा है काफी बिजी लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर शायद कोई तहारी भी यहाँ की फेमस है, मकबूल भाई की तहारी। देखिए हमारे भैया कह रहे हैं हमारी बनाओ, कौन सी बिरयानी है? मकबूल भाई की तहारी। तो अभी हमें जो भी यहाँ पर अच्छा लगेगा रेस्टोरेंट में वो खाएंगे और उसके बाद बताते हैं आपको क्या करने वाले हैं। रात तो खाली हो ही चुकी है हमारी। देखिए आप देख पा रहे हैं सामने ये है लजीज होटल। तो यहाँ पे जो है नहारी फेमस है, मतलब इस चौक में काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप सामने देख रहे हैं। ये है यादगार चिकन एंड फिश, सईद चिकन पॉइंट और मेरठ चिकन पॉइंट, काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन है आपके खाने के लिए। तो देखिए अभी हम देखते हैं कौन सा बेस्ट रहता है, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे हमने कहाँ पर जो है खाना खाया है। भूख लग रही है, खा के चल रहे हैं घर। हाँ तो फाइनली गाइस अभी देखिए हम लोगों ने पहले डिसाइड किया है कि यहाँ की फेमस हाजी मकबूल भाई की तहरी खाएंगे हम। तो अभी देखिए हम फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है कि कहीं रेस्टोरेंट की तहरी भी फेमस हो सकती है, ये हमें पहली बार पता लगा है। तो देखिए आज हम देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हाँ तो देखिए हमारे ताऊ जी खड़े हैं। तो अभी हाँ कासिम भाई तो बताइए पहले क्या खाएंगे हम? पहले मकबूल की तहरी जो यहाँ की फेमस है पहले उसे चेक कर लेते हैं कैसी है, क्या देखते है? हैं पहले मकबूल भाई की तहरी और आपको दिखाते हैं। देखिए सामने आप देख रहे हैं इधर ये है हाजी मकबूल रेस्टोरेंट। तो अभी इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं कैसी तहरी है, सारा का सारा हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस देखिए सामने आप देख पा रहे हैं ये है हाजी मकबूल की तहरी रेस्टोरेंट। तो अभी देखिए इसके अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की तहरी कैसी लगती है। तो देखिए गाइस फाइनली अभी आ चुकी है हम लोगों की 5 तहरी, देखिए चारों के सबके आगे रखी हुई है। तो देखिए गाइस यहाँ की तहरी मैंने पहली बार देखी है किसी तहरी में, मतलब गोश्त भी डला हुआ है यहाँ की तहरी में, आलू भी डले हुए हैं, चावल और यहाँ पर शायद जो वो उसकी दाल रहती दाल है, मूंग की दाल जो नहीं खिचड़ी में डालते हैं, काली दाल ये वो उड़द की दाल जो रहती है वो भी डली हुई है, मतलब काफी शानदार लग रही है देखने में। चलिए अभी हम इसका स्वाद देख लेते हैं कैसी लगती है खाने में। हाँ भाई तुम लोगों ने शुरू कर दिए, कैसा लग रहा है स्वाद इसका? वाकई में अच्छा स्वाद है इसका। और तहरी तो खैर घर पर भी खाते हैं और, लेकिन इसका स्वाद कुछ अलग ही है। अभी राकिब भाई जी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, बहुत मजा आया, मजा आ गया। बहुत फेमस है मुजफ्फरनगर में मकबूल की तहरी के नाम से, आप अगर सर्च भी करेंगे गूगल पर तो सबसे पहले यही आएगा रेस्टोरेंट के मामले में।
बाकी सब ठूंठ ठूंस का खा ही रहे हैं। आप जब भी यहाँ मुजफ्फरनगर से गुजरे मकबूल भाई की तारी खाकर जरूर जाए यहाँ। आओ भैया भाई। जी सर, कैसा लग रहा? टेस्ट तो बढ़िया है। मून तो खैर मून तो खराब है। मून तो खराब है खैर, आए थे किसी काम के लिए लेकिन वो हमारा काम हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हमें मालूम नहीं था कि नुमाइश जो है बंद हो चुकी है, टाइम उसका जो है खत्म हो चुका है। दोस्तों मुजफ्फरनगर से निकलकर हम पहुंच चुके हैं बिजनौर, और हम बिजनौर में जो है एक चौराहे पर खड़े हुए हैं, धामपुर चौराहा है ये। टाइम तो बता दो टाइम। ठीक है, और टाइम इस समय हो रहा है एक बज रहे हैं रात के एक बज रहे हैं। बहुत थक चुके हैं हम, क्योंकि हमने करीब 7-8 घंटे गाड़ी चला चुके हैं हम सब लोग। तो जिया भाई कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इस सफ़र के बारे में? भैया हमने सबसे ज़्यादा गाड़ी चलाई है, हम ही सबसे ज़्यादा सफर में। तो हमारा तो कहने का कुछ मूड है नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो आप, भले इन्होंने तो कुछ छुआ नहीं है अभी तक। नहीं, ड्राइविंग सीट में तो बैठे नहीं है। सही कह रहे हो। बाकी रागी भाई ने बहुत मेहनत करी है, रागी भाई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। जी रागी भाई, क्या करें, वो जिस काम से हम गए थे वो हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, उदास हैं फिर भी बना लिया आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत प्यार दे देना हमारी इस वीडियो को, बाकी तो बहुत थके हुए हैं हम। ठीक है, और जो है अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।